दोस्तों, अगर आप भी दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप 2023 फाइनल मैच से पहले दुनिया भर में इस मैच को लेकर भविष्यवाणी होना शुरू हो गया। इसी बीच अब क्रिकेट जगत के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी चैंपियंस की भविष्यवाणी कर हर किसी को हैरान कर दिया। तो आखिर सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत के साथ साथ ऐसा क्या बयान दे दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस बल्लेबाज को बताया फाइनल मैच का रियल हीरो, ये सब कुछ हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर रोहित शर्मा में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 1,32,000 दर्शकों के बीच आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले की तैयारी हो चुकी है। 19 नवम्बर दिन रविवार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत होने वाली है। टीम इंडिया ने विश्व कप में अभी तक सभी मुकाबले जीते हैं, किसी भी टीम ने भारत को हरा नहीं पाया है। अब आखिरी जंग में रोहित शर्मा की सेना ऑस्ट्रेलिया पर फतह हासिल कर 20 साल पुराने दर्द का हिसाब बराबर करने के लिए मैदान पर उतरेगी, जहां दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई और भारत के साथ कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2003 वनडे विश्व कप में भी फाइनल मैच खेला गया था, लेकिन टीम इंडिया सौरव गांगुली की कप्तानी में चैंपियन बनने से चूक गई थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इस बार ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में एक तरफ सभी मुकाबले जीते हैं और ऐसे में अब फाइनल की बारी है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं जो कभी भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं। अगर देखा जाए तो टीम इंडिया का हौसला ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले ज्यादा है। कप्तान रोहित शर्मा से लेकर गेंदबाज मोहम्मद शमी तक हर कोई बेहतरीन लय में है, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया भी किसी से कम नहीं है। उसने अपने शुरुआती कई मुकाबले गंवाने के बाद शानदार वापसी की और फिर फाइनल तक का सफर तय कर लिया। इसीलिए दोनों टीमों के बीच फाइनल में रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। इन दोनों टीमों के बीच मैच से पहले ही भविष्यवाणी होनी शुरू हो गई। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए। हर कोई अपनी अपनी टीम को चैंपियन बता रहा है, लेकिन अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी चैंपियंस की भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं सचिन ने भविष्यवाणी में क्या कुछ कहा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया को अहमदाबाद के मैदान पर हराना बहुत मुश्किल है। टीम इस बार विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई है, हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार का विश्व कप किसी भी हाल में भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतेगी। ये मुकाबला दुनिया का सबसे अधिक हाई वोल्टेज मुकाबला हो सकता है। हर किसी की निगाहें इस मैच पर टिकी होंगी, लेकिन मेरी निगाहें सबसे अधिक विराट कोहली की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी पर होगी। केवल इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर ने आगे कहा कि शमी ने जिस तरीके से गेंदबाजी का नजारा दिखाया वो देखकर शायद पूरा क्रिकेट जगत हैरान होगा। वहीं विराट कोहली ने भी अच्छी बल्लेबाजी का मंजर दिखाया है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर 100% यकीन है कि इस बार का विश्व कप टीम इंडिया ही जीतेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाने वाला है, कमेंट में जरूर बताइए। इन सभी चुनौतियों से पार पाने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी सामने आए हैं। उन्होंने अब नया इतिहास लिखने की भी ठान ली है और टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव करते हुए उन्होंने एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी बात मानकर ही अब रोहित इसी प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। तो चलिए अब आपको धोनी की पूरी प्लेइंग 11 दिखा देते हैं। जी हां, आपको बता दें, ओपनिंग क्रम में जहां एक बार हमें फिर रोहित और गिल का बल्ला गरजते हुए नजर आने वाला है और इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को इस फाइनल की जंग में भारत को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि दिन शुरू में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कुटाई कर दी, तब तो टीम इंडिया को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ धोनी का मानना है। नंबर 3 के पायदान पर विराट कोहली एक बार फिर रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार साबित होने वाले हैं, इसलिए धोनी तो उन पर बहुत अधिक भरोसा जताया है, जहां उनके बल्ले से शतक की उम्मीद भी पूरा देश लगाए बैठा है। नंबर 4 की पोजीशन पर एक बार फिर हमें पिछले मुकाबले के शतकवीर श्रेयस अय्यर नजर आने वाले हैं, जो फाइनल में भी अपने बल्ले से धमाल मचाने के लिए अय्यर बेकरार रहेंगे। वहीं कमाल लाजवाब राहुल मुश्किल परिस्थितियों से टीम इंडिया को निकालने के साथ साथ धाकर शुरुआत के बाद भारतीय टीम को एक विशाल काय लक्ष्य तक पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से राहुल में खेल पलटने की बहुत बड़ी क्षमता है, जो इस सेमीफाइनल में बहुत उपयोगी साबित होगी, ऐसा धोनी का मानना है। वहीं नंबर 6 के पायदान पर सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धोनी के अनुसार फाइनल में सूर्या की बल्लेबाजी भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में धोनी ने एक बार फिर अपने चहेते दोस्त और चेले सर रविंद्र जडेजा के मजबूत कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं फिरकी का मायाजाल बुनने के लिए जडेजा के साथ कुलदीप यादव धोनी के तुरूप के इक्के साबित होने वाले हैं, जिन पर कंगारू बल्लेबाजों को अपनी फिरकी की धुन पर नाच नचाने की जिम्मेदारी माही ने रख दी है। अब बारी आती है पेस अटैक की, तो बुमराह के नेतृत्व में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार है। धोनी को इन तीनों से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि यदि चले तो फाइनल का भारत का जीतना सुनिश्चित हो जाएगा, यानी कि भारतीय टीम बेहद खतरनाक और मजबूत है, जो अब विश्व कप फतह करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा,
रोहित कोहली गिल या फिर कोई और अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे हमें एक बार फिर देखने को मिला दुनिया की सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया फाइनल के महासंग्राम में टीम इंडिया के सामने उतरी तब जोश और जुनून से सराबोर रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्य का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों जहां एक तरफ 1,32,000 दर्शक भारतीय टीम के साथ खड़े थे पूरी दुनिया इस मुकाबले में नजरें जमाई बैठी थी तो वहीं दूसरी तरफ सिक्का भी रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि शुरू में तो यह फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ था लेकिन अंत में आते आते ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद सिराज से लेकर बुमराह कुलदीप शमी सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं ट्रेविस हेड ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में 318 रनों तक पहुंचा दिया था। अहमदाबाद में सभी अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे, उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया जहां गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी, हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों गेंदबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। टीम इंडिया के शान कप्तान रोहित 96 रन बनाकर वापस लौटे तो पूरे स्टेडियम में मातम छा गया क्योंकि एडम जंपा ने लगातार 2 गेंद पर पहले केएल राहुल तो फिर श्रेयस अय्यर को भी चलता कर भारतीय टीम की कमर ही तोड़कर रख दी। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम के शान सूर्य के साथ विराट इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। 4 विकेट गिरने के बाद भी सूर्य ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे में इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। मुकाबला जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। विराट कोहली 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर कोहली का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की अभी सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। स्टार्क ने विराट को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और विराट इसे कहां छोड़ने वाले थे, उन्होंने इस गेंद को भी अपने पिकअप शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंक कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर विराट मैच समाप्त कर देंगे लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर विराट बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए लेकिन उसके बावजूद दोनों ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज जिनका कॉफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था, सभी भारतीय की जीत की प्रार्थना कर रहे थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों स्टार्क ने सूर्या को मैच खत्म करने नहीं दिया, 5वीं गेंद पर भी सूर्या ने बल्ला घुमाया लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या को छकाना चाहा लेकिन सूर्या भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा था, विराट की खुशी का ठिकाना नहीं था तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित से लेकर पूरा
पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था क्योंकि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक जबरदस्त मुकाबले में धूल चटा दी थी। हालांकि ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन ऐसा ही जबरदस्त घमासान हमें फाइनल में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि फाइनल की इस जंग में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। टीम इंडिया फाइनल में जगह बनाती ही ग्लेन मैक्सवेल का हौसला सातवें आसमान पर आ गया और टीम इंडिया को फाइनल में हराने की खुली धमकी देते हुए उन्होंने कुछ कह डाला, जिसके जवाब में मैक्सवेल के सबसे अच्छे मित्र विराट कोहली ने ही अपने तीखे शब्दों से उनकी बोलती बंद कर दी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने अफ्रीका को हराने के बाद भारत को धमकी देते हुए कहा कि अब हमारा अगला टारगेट फाइनल में टीम इंडिया है, किसी भी हाल में हम भारत को हराकर खिताब पर कब्जा करेंगे। जिस तरीके से हमारे दिग्गज खिलाड़ियों ने 2003 में भारत को हराया था, उसी अंदाज में हम लोग भी टीम इंडिया का इस बार सफाया करने वाले हैं।